हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। सो फाइनली केटीएम इंडिया ने अपने सुपर स्पोर्ट्स आरसी सीरीज 125, 200 और 390 की फेसलिफ्ट 2022 मॉडल को लॉन्च कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केटीएम आरसी 125 के बारे में। इस 2022 मॉडल में KTM ने क्या क्या चेंजेस और क्या नए फीचर्स के साथ इस बाइक को लॉन्च की है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले लुक्स की बात करें तो साइड से ये बाइक देखने में ऐसी दिखती है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा नया डिज़ाइन का ग्राफिक्स दिया गया है, बड़े सी KTM की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ आपको वाइज़र पे RC 125 की बैजिंग दी गई है। फ्रंट लुक की बात करें तो अब आपको सिंगल हैलोजन स्टाइल टाइप हेडलैम्प देखने को मिलती है LED DRL के साथ, और यहाँ बॉडी इंटीग्रेटेड साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलती है। इसके अलावा बॉडी कलर्ड एलॉय व्हील देखने को मिलती है और नए डिज़ाइन की सीट भी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नए फीचर्स और स्पेक्स की जो इस 2022 मॉडल में अपडेट की गई है। सबसे पहले चैसिस की बात करें तो चैसिस को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन की गई है, जिससे इसका वेट 1.5 केजी कम हो गई है। इसके अलावा इस डिज़ाइन के चलते राइड स्टेबिलिटी इम्प्रूव्ड हो गई है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको नया 43mm की बिग पिस्टन WB एपेक्स USD फोक सस्पेंशन दी गई है और रेयर में आपको WB एपेक्स मोनोशॉक दी गई है स्टेबल और कंफर्टेबल राइड के लिए। फ्रंट में आपको 320mm की नई डिज़ाइन और लाइट वेट की डिस्क और रेयर में 230mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है ABS के साथ। न्यू डिज़ाइन 5-spoke alloy wheel दी गई है जो कि पिछले जनरेशन से लाइट वेट है, जिससे आपको क्विकर टर्न्स और इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी मिलती है ऑन रोड्स। इसमें आपको नए डिज़ाइन क्लिप ऑन हैंडल बार्स दी गई है जो एडजस्टेबल फीचर्स के साथ आती है। ऑल न्यू सीट डिज़ाइन दी गई है जो थिकर फोम और वाटरप्रूफ के साथ आती है। इसमें नए डिज़ाइन की लाइट वेट फुट पेग और फोल्डिंग फुट लिवर भी दी गई है। इसमें आपको ऑल न्यू फ्रंट एरोडायनेमिक डिज़ाइन दी गई है, जिसमें हेलोजन हेडलाइट विद LED DRLs देखने को मिलती है और बॉडी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी मिलती है। इसमें आपको बिगर 13.7 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलती है। इसमें ऑल न्यू 2-piece फ्रंट फेंडर मिलती है, जिससे ब्रेक और इंजन कूलिंग में थोड़ी सी मदद देखने को मिलती है। इसमें ऑल न्यू LCD रीडिज़ाइन डैशबोर्ड देखने को मिलती है जो सारे ज़रूरी फीचर्स के साथ आती है। इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी इंक्लूड की गई है। इसमें आपको सुपर मोटो ABS दी गई है, शॉर्ट में बोले तो ये ABS फुली सेंसर कंट्रोल है और रियल टाइम कंडीशन के अनुसार काम करती है बैक और फ्रंट व्हील में अलग अलग तरीके से। इसमें अल्ट्रा ब्राइट न्यू डिज़ाइन टेल लाइट देखने को मिलती है LED इंडिकेटर्स के साथ। इंजन की बात करें तो इसमें 125 cc की सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन दी गई है जो कि 15 bhp की पावर जनरेट करती है। इसमें लार्ज एयर बॉक्स दी गई है, जिससे ज़्यादा टॉर्क और स्लिक थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। इसमें न्यू डिज़ाइन की रेडिएटर देखने को मिलती है, जिससे कूलिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। कलर्स की बात करें तो दो कलर्स में ये बाइक आती है, ब्लैक एंड वाइट। प्राइस की बात करें तो KTM RC 125 2022 के एक शोरूम की प्राइस 1,82,000 तक रखी गई है। तो ये थे न्यू जनरेशन KTM RC 125 के सारे अपडेट। इसकी ग्राफिक्स और डिज़ाइन कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा।
और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।